Hello everyone, so this video is all about the Tata Punch ICNG CNG mileage. आपकी CNG में Tata Punch ICNG वाली जो वर्जन है वो कितना चलता है, ये वीडियो पूरी की पूरी इस पे है। मैं इसमें आपको बताऊंगा कि कितने मैंने CNG भरवाई, कितनी माइलेज दी CNG कार ने, एंड दिस इज़ अ ऑल न्यू कार, यू कैन चेक दिस आउट। मैंने अभी जस्ट लिया है ये गाड़ी जस्ट 2 to 3 days और मैंने इसको 1100 किलोमीटर चला दिया है। एंड Let me show you the actual mileage test. हाईवे के ऊपर है ये mileage test होने वाला है, हाईवे के ऊपर AC on के साथ। हमें यहाँ पे CNG के total 5 bars मिल जाते हैं and here is the CNG pump. काफी बड़ी line लगी हुई है CNG pump पे चंडीगढ़ में। यहाँ पे CNG की लाइट ब्लिंक कर रही है और यहाँ पे ग्रीन बटन भी दब रहा है। CNG पूरी की पूरी एम्प्टी हो चुकी है, यहाँ पे CNG बनना स्टार्ट हो चुकी है एंड प्रेशर इस टाइम पे यहाँ पे फुल 200 प्लस है। चंडीगढ़ में CNG का प्राइस 87.90 है, 683 रुपीस की गैस है ये, टोटल 7.78 किलो। अब देखते हैं कितनी एवरेज निकालती है। सो गैस हो गई फुल, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल गई है एंड आप इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे देख सकते हो कि गैस हो गई है फुल। अब मैं यहाँ से ट्रिप को रीसेट कर लेता हूँ। ट्रिप हमारा रीसेट हो गया है और अब यहाँ से अब चेक करेंगे कि एक्चुअल में गाड़ी कितनी एवरेज दे रही है AC के साथ। AC ऑन है गाड़ी के अंदर। मैंने जहाँ तक नोटिस किया है ये CNG जब फुल होती है तो टोटल 5 बार्स आती है इसके अंदर, तो एक बार ऑलमोस्ट, क्योंकि मैं अभी तक 700 किलोमीटर चला चुका हूँ, तो एक बार ऑलमोस्ट 22 to 25 किलोमीटर चल जाती है एक बार पे। अब जैसे जैसे एक बार ख़त्म होती जाएगी मैं आपको बताता रहूँगा एंड टोटल एवरेज कितनी दी है CNG ने हाईवे के ऊपर वो भी आपको बता दूंगा। सो ट्रिप ए मैंने जीरो कर दिया था, CNG फुल भर चुकी है। CNG इस टाइम पे 7.78 किलो आई थी टोटल ओवरऑल CNG। वैसे प्रेशर भी सही था बट अभी गर्मी का टाइम हो सकता है इसलिए मैं भी कम आई है, क्योंकि जब मैं रात में डबला था तो ऑलमोस्ट 8.5 किलो आ जाती है। अब मैं आपको दिखाऊंगा एक्चुअल एवरेज जो CNG पे दे रही है AC चला के हाईवे के ऊपर। अभी मैं सिटी में नहीं चला रहा, मैं अभी जा रहा हूँ चंडीगढ़ टू दिल्ली, तो इस टाइम पे ये एवरेज कितनी दे रही है वो मैं आपको बताऊंगा। 750 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है और गाड़ी में मुझे कभी कुछ मुझे प्रॉन्स एंड कॉन्स लगे हैं वो मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, बट पहले सबसे पहले इसका माइलेज टेस्ट है। तो गाइस एज यू कैन सी गाड़ी के CNG का एक डंडा खत्म हो गया है एंड ये 21.6 किलोमीटर चली है। अब जैसे ही दूसरा डंडा खत्म होएगा आई विल लेट यू नो। अब दो डंडे खत्म हो गए हैं एंड किलोमीटर चली है 41.1 किलोमीटर, मतलब एक अप्रॉक्स जैसे मैंने कि बताया था 20 की एवरेज दे रही है अभी तो फिलहाल एक डंडे में, ऑलमोस्ट ये दे रही है आपको 20 किलोमीटर के अराउंड। गाइस दो डंडे रह गए हैं CNG के एंड इस टाइम पे चल चुके हैं 77 किलोमीटर। का लास्ट डंडा बचा है और हमारी गाड़ी चल चुकी है ऑलमोस्ट 130 किलोमीटर। अब जब तक यहाँ पे पूरी CNG खत्म नहीं हो जाती मैं आपको बता दूंगा कि कितने किलोमीटर टोटल चली। 7.5 किलो जो किलो CNG आई थी एंड अब देखते हैं उसमें कितने टोटल किलोमीटर चलती है। एंड ये जो CNG पे चल रही है गाड़ी ये अभी AC में चल रही है और AC इसके 2 पॉइंट ऑन है, यू कैन चेक इट आउट। और आप इसका लाइट का थ्रू देख सकते हो, लाइट का थ्रू रात में कैसा है। ये हाईवे पे चल रही है, ये इसका लो बीम है और ये इसका हाई बीम है, मतलब ओके थ्रू है, इतना ज़्यादा कुछ खास नहीं है। सो CNG का लास्ट बार भी ख़त्म है, यू कैन सी ये CNG ब्लिंक कर रही है, इट्स मीन रिजर्व पे लगे है CNG और ये चल चुके है टोटल 161 किलोमीटर। सो फाइनली हमारा रिजर्व मोड भी ख़त्म हो गया है एंड ये टोटल CNG पे चल चुकी है 214 किलोमीटर एज यू कैन सी। एंड यहाँ पे जो CNG की लाइट आ रही थी येलो कलर की वो भी बंद हो गई है एंड नीचे जो CNG की ग्रीन कलर की लाइट आती है उस पर भी लाइट बंद हो चुकी है, अब ये टोटली पेट्रोल पे चल रही है। एंड यहाँ पे आप पेट्रोल पे एवरेज देखोगे जो मीटर में शो कर रहा है इट्स 30 किलोमीटर अप्रॉक्स, 28 to 30 के बीच में। अभी मैं पेट्रोल का भी टेस्ट करूँगा तो उस वीडियो को भी ध्यान से देखना पूरी की पूरी। अभी ऐसे देख लो 28 किलोमीटर दिखा रहा पर लीटर, लेट्स सी पेट्रोल में भी एक्चुअल में कितना देता है हाईवे के ऊपर। हम लोग CNG फिल पे आ जाते हैं, क्लोज फ्लूइड लिड आ चुका है, प्रेशर पूरा और यहाँ पे प्रेशर है पूरा है और लेट्स सी कितने की भरती है।
मैंने ऑलमोस्ट एवरेज निकाली, इसने आराम से मुझे सीएनजी पे दे दी। लास्ट टाइम अभी जब डलवाई थी लास्ट, तो 7.5 किलो आई थी, तो उसमें ऑलमोस्ट चल गई 215 किलोमीटर, तो ऑलमोस्ट एवरेज हो गई 27 या 28 के अराउंड की। अब देखता हूँ कितनी आती है। 5.5-6 किलो आ गई है, 6.5 किलो आ गई है। अच्छी रटाडा बंड आई सी एन जी एडवेंचर मॉडल। सो 8.22 केजेस आ चुकी है 698 रुपीस में सी एन जी फुल। थैंक यू सो मच, निकाल लो। भर गई 8.22 केजेस। लेट्स सी अब कितना देती है एवरेज। तो सी एन जी का सिलेंडर पूरा खत्म हो गया और हमारी गाड़ी ने एवरेज ऑलमोस्ट दिया लाइक 215 किलोमीटर चली है टोटल। और उस टाइम पे हमने भरवाया था 7.7 किलो गैस आई थी, तो लगभग देखा जाए तो 27-28 के अराउंड एवरेज दी है इसने। हाईवे पे एसी ऑन था जबकि, एंड अभी मुझे लगता है कि फर्स्ट सर्विस होगी तो मे बी शायद और ज़्यादा बेटर दे। अभी सर्विस नहीं हुई है, पूरी की पूरी नई गाड़ी है। लेट्स चेक, तब भी मैं आपको बताऊंगा कि पहली सर्विस के बाद कितनी माइलेज देती है ये। सो अभी एवरेज टेस्ट हो गया हमारा खत्म। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सीएनजी में पेट्रोल की एवरेज कितनी आती है। टाटा पंच आई सीएनजी वाला वर्जन पेट्रोल में अगर चलाते हैं तो कितनी एवरेज देता है, क्योंकि ऑलरेडी इस गाड़ी का वेट हैवी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पंच। एंड इसकी मॉडिफिकेशन भी करानी है तो उसकी वीडियो भी बनाऊंगा मैं जल्दी। स्टे ट्यून्ड विद द गाइस, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू सो मच। मुझे इसकी एक चीज समझ नहीं आई, मैंने अब जब दोबारा सीएनजी भरवाई तो एक भी बार खत्म नहीं हुआ है, 40 किलोमीटर तक चल गई है। पहले वाला बार 20 किलोमीटर में खत्म हो गया था और 40 किलोमीटर हो गया, अभी तक खत्म नहीं हुआ। मे बी बिकॉज क्योंकि वो मैं सिटी से हाईवे में लेके आया था और ये मैं डायरेक्ट हाईवे टू हाईवे ही चला रहा हूँ, इसलिए हो सकता है मे बी।